स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये हैं चाहते में। अब आ चुका है प्रीशा के सिर पर सानिया के मर्डर का इल्ज़ाम, लेकिन किसी भी हाल में रुद्र अपनी प्रीशा को बचाना चाहता है। आप सभी देखने वाले हैं कि खूब ड्रामा होगा शो में, क्योंकि अरमान का नाम अभी तक भी सामने नहीं आया है। लेकिन जानता है रुद्र कि सानिया का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि अरमान ने ही किया है, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। यहाँ वो हर चीज़ को बारीकी से देखने की कोशिश कर रहा है। आप वाले हैं कि अब जीपीएस भी रुद्र का साथ देंगे, और यहाँ पर रुद्र का दोस्त बंटी भी उसका साथ देता हुआ नजर आएगा। वो सभी हर चीज की बारीकी से जांच करेंगे, और ऐसे में जब सानिया की कॉल डिटेल आएगी तो उनका शक अब यकीन में भी बदलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जैसा कि रुद्र जानता है कि अरमान का हाथ भी इस मर्डर के पीछे हो सकता है, उसका कातिल कोई और भी हो सकता है। यहाँ पर ये इन्हीं सब चीज़ों को लेकर डिस्कस करते हुए नजर आएंगे कि प्रीशा को सिर्फ एक ही तरीके से बचाया जा सकता है कि उन्हें असली कातिल को ढूंढना ही होगा। ऐसे में सानिया की जब कॉल डिटेल सामने आएंगी तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ नजर आने वाली है रुद्र को कि उसे देखकर उसके होश उड़ जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं अब अरमान का नाम सामने आने वाला है, और अगर अरमान का नाम सामने आता है तो प्रीशा जेल से रिहा हो जाएगी और अरमान नाम की पनौती इनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन क्या ये सब हो पाएगा इतनी आसानी से, क्या होगा अब ये जानने के लिए देखना ना भूलें स्टार प्लस पर ये हैं चाहते।